गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई थिंक दैट यू विल बी सेफ एट योर होम। स्टूडेंट, एज यू नो दैट टुडे आई हैव प्रोमिस्ड यू टू टीच the topic concerning on whole numbers. Student, you know that numbers are very important to our day-to-day life. So they play an important part in our lives. Student, before teaching whole numbers, I want to tell you about natural numbers. You know that all counting numbers are called natural numbers. I want to teach you how has the natural number come? What is their origin? Student, you know that natural comes from nature. Around our surroundings, we counted 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. So natural numbers come from nature. Easily you can see that all counting numbers are called natural numbers. Starts from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and so on. It goes infinite. It has no end point. Means natural numbers are unlimited. Why natural numbers are unlimited? Because we have successor of any natural numbers. That's why they are unlimited. Clear? Now about whole numbers. How does it come? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, whole numbers की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्या natural numbers से हमारा काम चलने वाला नहीं है? कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मनुष्य को जैसे जैसे जिन चीजों की आवश्यकता महसूस हुई, वह उसकी खोज करने लगा। अगर हम यह कहें कि तुम जहां पर बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हो कि हाउ मेनी एसेज आर देयर इन योर हाउस और इन योर होम, तुम्हारे घर में, तुम्हारे कमरा में जहां तुम बैठे हुए हो वहां पर कितने गधे हैं, क्या कहोगे? तुम्हारे एक कमरा में गधा है? नहीं है। कहोगे सर एक भी गधा मेरा कमरा में नहीं है। तो एक भी गधा मेरे कमरा में नहीं है, मेरे रूम में नहीं है। इसको व्यक्त करने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास सिंबल का रहना जरूरी था और इसी के लिए हमने एक एडॉप्ट किया
कि नहीं इसको व्यक्त करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए और वह है होल नंबर्स जो स्टार्ट फ्रॉम जीरो। यानी यहां पर कितने तुम्हारे कमरा में गधा है? एक भी नहीं। और क्या कैसे डिनोट करेंगे? जीरो। अब तुम समझ गए होगे या जीरो क्यों आ रहा, जीरो की क्या उपयोगिता है, जीरो का यूज हम क्यों करते हैं। तो स्टूडेंट हम होल नंबर्स के डेफिनेशन अगर देना चाहे तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट होल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स अलोंग विथ जीरो। इन अनदर वे द सेकेंड डेफिनेशन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन द नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। नाउ इट इज क्लियर स्टूडेंट कि नेचुरल नंबर्स के पहले अगर जीरो लगा दो, जीरो से काउंट करो तो वह होल नंबर्स में परिणत हो जाएगा। स्टूडेंट किसी भी नेचुरल नंबर्स की पहचान करना बड़ा आसान है क्योंकि काउंटिंग जो भी होता है पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव काउंटिंग होता है लेकिन वह तुमको अगले क्लास में करना है। अभी हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर्स को मैंने बताया कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को मैंने बताया कि द नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो। स्टूडेंट अलोंग विथ जीरो का मतलब होता है टुगेदर विथ जीरो। तो नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो मींस टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। जीरो लुक हियर, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एंड सो ऑन, इट गोज इनफाइनाइट बिकॉज वी हैव सक्सेसर ऑफ एनी होल नंबर्स। स्टूडेंट इनफाइनाइट क्यों होता है? इनफाइनाइट इसलिए होता है, इनफाइनाइट मतलब अनंत, इसका कोई और अंत नहीं। क्यों होता है? क्योंकि किसी भी होल नंबर्स का हम सक्सेसर निकाल सकते हैं। सक्सेसर का मतलब अब मैं बताने जा रहा हूं, सक्सेसर ऑफ ए होल नंबर। हाउ कैन यू ऑब्टेन ए सक्सेसर ऑफ ए होल नंबर? स्टूडेंट वी कैन obtain a successor of a whole number by adding one to the whole number. Suppose if someone asks you what is the successor of zero, so zero plus one is equal to one. It means the successor of zero is one. And what is the successor of 1? 1 plus 1 is equal to 2. What is the successor of 2? 2 plus 1 is equal to 3 and so on. In this way, you can find the successor of a whole number. That is why the whole numbers are infinite. कारण कि कोई भी whole number कोई बढ़ेगा कि 1 billion ऐसा हो सकता है कि सब 1 billion बड़ा होगा। तो मैं कहूंगा कि 1 billion में 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 billion 1 तो वह बड़ा हो जाएगा। फिर उसमें 1 ऐड कर दो, फिर उसमें 1 ऐड कर दो। मेरे कहने का मतलब है कि 1 ऐड कर करके तुम नेक्स्ट नंबर को निकाल सकते हो। यही कारण है कि होल नंबर का सक्सेसर होता है, प्रत्येक होल नंबर का सक्सेसर होता है और होल नंबर यही कारण है। बात समझ में आ गई? अब हम चलेंगे प्रीडिसेसर ऑफ ए होल नंबर के बारे में। प्रीडिसेसर ऑफ अ होल नंबर, किसी होल नंबर का प्रीडिसेसर कैसे निकालते हैं? स्टूडेंट मैं प्रीडिसेसर ऑफ ए होल नंबर का डेफिनेशन यहां पर लिखने नहीं जा रहा हूं,
मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं जिस तरह समझा दूंगा वह तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, तुम अभी समझ लो। बहुत सारी बातें किताब में लिखी हुई है, तुम उसको पढ़ोगे तो समझ जाओगे, लेकिन मैं समझा दे रहा हूं उसको समझने का प्रयास करो, थोड़ा सा मन बुद्धि कार्य कर लो, समझ जाओ। प्रीडिसेसर ऑफ ए होल नंबर, किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर कैसे निकाला जाता है। वी कैन फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ अ होल नंबर बाय सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम द नंबर। इफ वी वांट टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ एन, द सक्सेसर सॉरी द प्रीडिसेसर ऑफ एन, वी कैन फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ एन, एन माइनस वन दैट इज नाइन। सो द प्रीडिसेसर ऑफ एन इज नाइन। What is the predecessor of 1? 1? 1? Look here. Here, 1 has been written. The successor of 1, I am not telling you. I am telling you the predecessor of 1. The predecessor of 1, 1 minus 1, that is 0. So, predecessor of 1 is 0. And what is the successor of 0? What is the successor of 0? Just I have told here. The successor of 0 is 1. And the predecessor of 1 is 0. But it's very easy. You have understood it? Now, next one. The whole number 0 does not have predecessor. 0 ka predecessor nahi hota. या मैं कहना चाहता हूं स्टूडेंट कि अगर ऐसा तुमको क्वेश्चन दिया जाए कि जीरो का प्रीडिसेसर क्या होता है, तो होता है जीरो का प्रीडिसेसर भी होता है, लेकिन होल नंबर के रेंज में नहीं होता है। जीरो का प्रीडिसेसर जीरो माइनस वन यानी माइनस वन हो जाएगा, जो कि एक इंटीजर है या एक होल नंबर नहीं है। यही कारण है कि मैंने यहां लिख दिया है कि द होल नंबर जीरो डज नॉट हैव अ predecessor because 0 minus 1 is equal to minus 1. It is clear? Now, one question arises here that what is the successor of the smallest whole number? The successor of the smallest whole number? Tell me, student. You have to tell me. Please tell me the right answer. All students will say, sir, the successor of the smallest whole number is 0 plus 1, that is 1. Because 0 is the smallest whole number and we add 1 to 0 to get 1. Have you understood? Now, another thing here. It should be noted, student. I want to pay your attention here. The predecessor of the smallest natural number. It is very important thing, student. The predecessor of the smallest natural number. The smallest natural number ka predecessor kya hota hai? Bahut se bache kahenge ki sir, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर का प्रीडिसेसर होता ही नहीं। जैसे कि किसी ने कहा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर का प्रीडिसेसर नहीं होता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि स्मॉलेस्ट ऐसा क्वेश्चन केवल दे और कुछ नहीं लिखे द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप लिखेंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है और 1 का प्रीडिसेसर 1 माइनस 1 होगा तो 0, इसलिए 0 होगा ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर का प्रीडिसेसर। स्टूडेंट, द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, दैट इज माय क्वेश्चन सर। स्टूडेंट, इट इज माय क्वेश्चन, यू हैव टू रिप्लाई द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट लुक, आई एम टीचिंग यू स्लोली एंड स्टीडी, आई एम नॉट
teaching you or speaking very fast, slowly. Again, I am repeating the question. The successor of the largest two-digit number. How can you obtain? To know it. The successor of the largest two-digit number. To reply it, you have to know the largest two-digit number. The largest two-digit number is, student, 99. Okay. And you have to find the successor. So add 1 to 99. You will get 100. That is clear? Now the predecessor of the smallest three-digit number. The predecessor of the smallest three-digit number. What is the smallest three-digit number, student? The smallest three-digit number is? The smallest three-digit number is 100. 100. And the predecessor of 100 is 100 minus 1, that is what? 99. So the predecessor of the smallest three-digit number can be obtained by subtracting 1 from 100. Have you understood? क्या आप इस बात को समझ गए? मैं आगे बढ़ूं? ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ और चीजें मैं आपको बता दूंगा. All the whole numbers other than 0. स्टूडेंट यहां देखिए, यहां देखिए, मैं दिखाना चाहता हूं आपको. All the whole numbers other than 0. 0 को छोड़कर जितने भी whole numbers हैं, have predecessor which are also whole numbers. 0 को छोड़कर जितने भी होल नंबर्स होते हैं उसके प्रीडिसेसर होते हैं जो एक होल नंबर में ही होते हैं. स्टूडेंट, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स से रिलेटेड बहुत एक्सरसाइज आपके बुक में है. मैं समझता हूं कि आप बुक परचेस कर लिए होंगे. आपके बुक में एक्सरसाइज है स्टूडेंट, होल नंबर्स चैप्टर का एक्सरसाइज भी है, जरूर होगा. आप किसी भी बुक से बना सकते हैं. होल नंबर्स पर आधारित कोई भी बुक, सिक्स स्टैंडर्ड का हो या फाइव स्टैंडर्ड का हो, आप उसको लेकर उसके एक्सरसाइज को बनाएंगे तो जो भी प्रॉब्लम आएगा उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन आप अच्छी तरह से दे पाएंगे. या मैं दावे के साथ कहता हूं, हाँ, कुछ ऐसी स्थितियां आएगी जिसमें आपको टीचर से कंसल्ट करना पड़ेगा. जैसे कभी कभी ऐसा पूछता है कि हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 40 और 59. मतलब कि 40 और 59 के बीच कितने होल नंबर्स होते हैं, 40 और 59 के बीच कितने होल नंबर्स होते हैं. तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है. 40 और 59 के बीच का होल नंबर, किसी भी दो होल नंबर्स के बीच का होल नंबर्स निकलेगा, निकालना अगर हो. मैंने भी कहा कि 40 और 59 के बीच, घबराने की जरूरत नहीं है. इसके लिए आप क्या लिखेंगे, 59 लिख देंगे और उसमें से 40 माइनस करके जो आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे. ठीक. अब आप कहेंगे कि अमित सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 59 और 40 के बीच का होल नंबर निकालना है, और सर कह रहे हैं कि 59 में से 40 माइनस करके 1 माइनस करने के लिए. ऐसा इसलिए मैं स्टूडेंट कह रहा हूं आपको, मेरे बताने का मतलब इसलिए है कि देखिए 59 में से आप 40 माइनस करेंगे तो 9 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, 9. 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 होगा, और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 18. यानी कि 59 और 40 के बीच 18 होल नंबर्स. ऐसे आप माइनस करेंगे तो 19 होगा,
तो बहुत से बच्चे नाइनटीन कह देंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जब भी कहेगा कि 59 और 40 के बीच का होल नंबर निकालना, इसके बीच का होल नंबर, तो बीच में तो 59 भी नहीं आएगा और 40 भी नहीं आएगा, 59 और 40 में से कोई बीच में नहीं आएगा, इसके 40 के बाद 41 से लेकर और 58 तक का जो नंबर होगा वही इसके बीच का नंबर होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको होंगे, कहेगा कि राइट सेवन कंसेक्यूटिव नंबर जस्ट प्रीसीडिंग 90,001, मतलब 90,001 से आरंभ कर नीचे की तरफ सात नंबर लिखो, सेवन नंबर, तो ऐसे क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। इसके लिए 90,001 में से 1 माइनस कर दीजिए, लिख दीजिए, फिर जो नंबर आएगा उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, लिख दीजिए, ऐसा आप लिखते रहेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप उसको बना लेंगे स्टूडेंट। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो आप मुझसे पूछिए, मेरे नंबर पर आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर है, आप डायल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।